शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी की इस बड़ी चीज़ को चूम लेना। इस बड़ी चीज़ को चूमने से आपकी किस्मत ऐसे जग जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा प्रोसीजर जानने के लिए पूरा वीडियो देखना और किस चीज़ को चूमना है, आज के वीडियो का टॉपिक यही है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, आप भी सुखी होंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, जो मनुष्य साफ़ सुथरा रहता है, साफ़ सुथरे चरित्र का होता है, पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी के अतिरिक्त किसी स्त्री को माँ या बहन या बेटी के सदृश समझता है, वो पुरुष पूर्ण शुक्र वाला होता है, अच्छे शुक्र वाला होता है। लेकिन विपरीत इसके जो काम करता है वो बुरे शुक्र वाला होता है। तो हमेशा स्त्रियों का आदर करें, स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपका शुक्र वैसे ही अच्छा हो जाएगा बिना कोई खर्चा किए हुए। लेकिन अगर आप स्त्रियों से बदसलूकी करते हैं, स्त्रियों का अपमान करते हैं, तो शुक्र दूषित हो जाता है और भयंकर परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पत्नी के प्रति स्नेह भाव रखें और पत्नी के सिर को हमेशा मांग की साइड से चूमते रहें, तो उनका सुहाग भी अच्छा होता है। उनके सुहाग यानी आपकी आयु भी लंबी होती है, उनकी आयु भी लंबी होती है और आपके जीवन में तमाम लग्जरियस लाइफ मिलती है आपको और भौतिक सुख सुविधा आपके जीवन में आती है। इसके अलावा पत्नी की आईब्रो को भी छूना चाहिए, चूमना चाहिए और प्यार से सहलाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको सुख मिलता है और आपका मनोवांछित काम पूर्ण हो जाता है। जो पुरुष पत्नी को उपहार में चांदी के आभूषण देता है या डायमंड रिंग देता है, उसका भी शुक्र अच्छा हो जाता है। और जो मनुष्य ये ना कर सके तो मात्र मोगरे के पुष्पों का बना हुआ गजरा अपनी पत्नी को भेंट करे, तो उसका शुक्र मजबूत हो जाता है और शुक्र से संबंधित रिजल्ट शुभ की संख्या में उसको मिलने लगते हैं। तो शुक्र को अच्छा करने के उपाय हमने बताए और अंगूठे में अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं तब भी आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। चांदी के आभूषण शुक्र को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको वियर अवश्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच।